कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को निरंतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह क्लास तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में होंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर अपना चल रहा है यह ITI फर्स्ट ईयर के लिए भी लगता है। तो वो अभी से ही अपनी तैयारी करेंगे ना, तो जब ITI कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उनको जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी तो उसके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, क्योंकि तैयारी आपको अभी से ही शुरू करनी है ताकि जब भी वैकेंसी आए तो तुम कम समय में अच्छा तैयार होकर और एग्ज़ाम को दे सके। ठीक है, तो इसलिए अभी से ही आप तैयारी करने लग जाओ। ठीक है, तो देखिए अपन जो अपना चैप्टर चल रहा है 2 नंबर, उसकी आज अंतिम क्लास है। जो चैप्टर चल रहा है अपना दूसरा, उसकी आज अंतिम क्लास है, क्योंकि इसमें जो टूल्स बचे हुए हैं वो सारे टूल्स आज समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में अपन नए चैप्टर के साथ आएंगे। इस चैप्टर में काफ़ी दिन हो चुके हैं क्योंकि चैप्टर लंबा था, टूल्स काफ़ी सारे थे और अपन ने हर एक टूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आगे भी अपन इसी तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आज की ये क्लास है। इसके बाद में आपको कल वाली जो क्लास है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके इस चैप्टर से संबंधित होंगे, है ना। साथ ही साथ अपन वो क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। उसमें टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ALP, ISRO और UPPCL TGT2, इन तीनों एग्ज़ाम में अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम उसमें लेकर आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आज का जो अपना टूल्स है ना वह है ड्रिल। ठीक है, किस पर बात करेंगे अपन आज, ड्रिल पर बात करेंगे। अब ये ड्रिल है ना, तीन प्रकार की है अपने सिलेबस में। पहली जो है हैंड ड्रिल मशीन कैसी होती है, देखिए मेरे पास है हैंड ड्रिल मशीन, तो मैं आपको बता देता हूँ। यह हैंड ड्रिल मशीन है, ये क्या है दिख रही है आपको, यह हैंड ड्रिल मशीन है। यहाँ पर यह होती है इसकी, ये ओगर है। ठीक है, ये बिट है, ओगर है। ठीक है, यहाँ पर लगाया जाता है जो कि ड्रिल करता है। यहाँ पर यह हैंडल है, ये वाला हैंडल है, और यहाँ पर हत्ता रहता है जो इसको घुमाया जाता है, और जैसे इसको घुमाते हैं तो ये क्या कर देती है, छेद कर देती है। कहीं पर भी छेद करने को माना यहाँ पर करना है तो इसको ऐसे लगाएंगे और इसको इस तरीके से घुमाएंगे और इधर से प्रेशर देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो ये छेद करने के लिए होती है ड्रिल मशीन, और इसको क्या कहते हैं, हैंड ड्रिल मशीन अपन कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र मैं यहाँ बनाकर आपको इसके भागों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखना ध्यान से, आपको चित्र तो मैंने बता दिया, मशीन ही बता दी है ना, तो चित्र थोड़ा सा अपन जल्दी में बना देते हैं। ये इसका गियर है। ठीक है, ये क्या है, इसका गियर है, और यहाँ पर ये क्या है, हत्ता है। यहाँ पर ये क्या है, हत्ता है इसको घुमाने के लिए, और यहाँ से ये क्या निकला, इसका बिट निकला। ये क्या निकला, तो बिट निकला, तो ये तो होगा बिट। ठीक है, ये होगा हैंडल, हैंडल, और ये होगा हत्ता, और यहाँ पर घुमाने के लिए है ना, और ये होगा गियर। तो यह इसके महत्वपूर्ण भाग है जो मैंने आपको बताए हैं। हत्ते को अपन क्रैंक भी कहेंगे, क्रैंक क्या कह सकते हैं इसको, क्रैंक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आगे अपन देखिए, ये जो है ना, इसको जो कह सकते हैं अपन, जो। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, और जो कह सकते हैं, और यहाँ पर होता है चक। यहाँ पर क्या हो सकता, यहाँ क्या होता है, चक होता है। क्या होता है, यहाँ पर चक होता है। तो ये ड्रिल के भाग है जो आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। भागों के बारे में आपको इसलिए नाम याद रखना है क्योंकि कभी कभार क्या करता है कि चित्र ले लेता है और चित्र का कोई सा भी भाग ले लेता है और वहाँ पर लिख देता है एक्स भाग का नाम बताइए। जब एक्स भाग का नाम बता पूछता है और अपन को उस भाग का नाम याद नहीं रहता ना, तो फिर अपना क्या है, नंबर कटने की वहाँ पर संभावनाएँ रहती हैं। तो इनके सभी भागों के बारे में अपन को याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाथ से चलाई जाने वाली मशीन है, कौन सी मशीन है यह, तो हाथ से चलाई जाने वाली यह क्या है, मशीन है। ठीक है ना,
आगे बात समझें, और उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसका, तो उपयोग करते हैं अपन, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग उपयोग पर अगर अपन चर्चा करें तो इसका जो उपयोग है ना, लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी प्लास्टिक, ठीक है, लकड़ी प्लास्टिक और ब्रास, ब्रास ठीक है, ब्रास और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और क्या होगा, एल्यूमिनियम और नर्म लोहे की चादर, नर्म लोहे की चादर, की चादर, चादरों आदि में छेद करने के लिए, है ना, आदि में छेद, छिद्र करने के लिए, के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो थी इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है, है ना, तो इनको याद रखना। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, हैंड ड्रिल मशीन का आपको चित्र जरूर याद रखना है, बाकी तो ये आप याद रख ही लोगे, ठीक है। आगे आते हैं अपन दूसरी वाली पर, दो नंबर जो ड्रिल मशीन है, दो नंबर पर है अपनी रेचेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चित्र के हिसाब से, रेचेट ड्रिल, ड्रिल मशीन, क्योंकि इसका ज़्यादातर चित्र ही पूछा जाता है। रेचेट ड्रिल मशीन, रेचेट ड्रिल मशीन कैसी होती है, तो इस तरीके की रेचेट ड्रिल मशीन होती है, ध्यानपूर्वक देख लो इसको, किस प्रकार की, तो ये इस प्रकार की, देखिए ये इस तरीके की होती है, ये रेचेट ड्रिल मशीन है ना। इसको कैसे चलाया जाता है, यहाँ पर प्रेशर देते हैं, इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से एक हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, इसको इस तरीके से रखकर और इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा प्रेशर देकर फिर ऐसे घुमाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तो इस तरीके से प्रेशर दिया जाता है और इससे ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ रहे, तो ये है रेचेट ड्रिल मशीन, ध्यान रखना। अभी रेचेट ड्रिल मशीन है तो इसका चित्र बना देते हैं, वैसे चित्र बना देते हैं, चलिए यहीं पर समझा देता हूँ भागों के बारे में, यहीं पर ही समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर समझ जाइए आप, ये तो होता है इसका चक, क्या होता है, ये तो होता है इसका चक होता है, और ये होता है रेचेट ब्रेस, ठीक है, रेचेट ब्रेस, और ये क्या होता है इसका हैंडल होता है, ठीक है, प्रेस नॉब भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, प्रेस नॉब, प्रेस नॉब, चक और रेचेट, प्रेस नॉब, चक और रेचेट, रेचेट, चक और प्रेस नॉब। आगे बात समझो, ये भागों के बारे में आप याद रखना, ठीक है, चित्र बनाएंगे टाइम लगेगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखो। बड़े आकार के छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बड़े आकार के छिद्र, छिद्र, ठीक है, बड़े आकार के छिद्र करने के लिए, लिए उपयोग, बड़े आकार के छिद्र करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। आगे देखो, तीसरा नंबर पर आ जाता है अपना, तीसरे नंबर पर आ जाता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, सबने देखी होगी, सबने ही देखी होगी ये तो, है ना, कमेंट करो देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल यानी कि विद्युतिक ड्रिल मशीन, विद्युत से चलने वाली ड्रिल मशीन, विद्युत से, यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, देख लीजिए चित्र को, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, यह ड्रिल मशीन बहुत ही मजबूत होती है, इससे आप है ना दीवारों में छेद कर सकते हैं, ठीक है, दीवारों में छेद कर सकते हैं आप इससे, और किस किस में छेद कर सकते हैं, उपयोग, उपयोग, उपयोग क्या क्या है इसका, उपयोग देखिए, उपयोग पर चर्चा करें तो पत्थर, पत्थर, लोहा, लकड़ी प्लास्टिक, लकड़ी प्लास्टिक आदि में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत जगह काम किया, बहुत जगह काम में लिया जाता है, नट बोल्टों को खोलने के लिए भी प्रयोग करने लग गए अब तो, है ना, नट बोल्टों को खोलने के लिए भी ड्रिल आने लग गई, तो ये ड्रिल है जो छेद करने के लिए काम में लेंगे अपन, ठीक है। तो ये ड्रिल मशीन आप याद रखना, इन ड्रिलों के अगर मान लीजिए ये जो चक होते हैं ना, ये जो चक है, इस चक से ये निकालना हो, ठीक है, इसमें तो ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा ऐसे, लेकिन जो ड्रिल आती है ना वो वाली, उसमें क्या होता है कि उसका जो ये
ड्रिल निकालना हो, इसकी जगह दूसरा लगाना हो, ये टूट गया हो, या इसकी जगह मोटा लगाना हो, पतला लगाना हो, या दूसरा लगाना हो, चेंज करना हो इसको, तो यहाँ पर एक चाबी आती है जिसको क्या बोलते हैं, कीचक। क्या बोलते हैं इसको, कीचक, यानी कि ड्रिल बिट को बदलने के लिए कीचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, तो कीचक का उपयोग करेंगे, या इस तरीके का होता है, ये ध्यान रखना है ना, जिसको उसमें डालकर घुमाएंगे ना तो खुल जाएगा, खुलने के बाद आप उसको बदल दो और वापस से उसको कस दो उसी से, तो एक तरीके का वो स्पिनर ही है उसके लिए, तो देखिए तो, लेकिन एक कीचक इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं अपन पुली पुलर, फिर उसके बाद में करेंगे बियरिंग पुलर। ये दो प्रकार के एक जैसे दिखने वाले औजार हैं, ठीक है, एक तो है पुली पुलर, एक है बियरिंग पुलर। बेयरिंग और पुली दोनों में क्या अंतर है, पुली से याद रखो कि ये पुली को शाफ्ट से आसानी से निकालने के लिए प्रयोग, ठीक है, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो शाफ्ट में से पुली को आसानी से निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए आपकी मोटर है, ये क्या है मोटर है, अब इस मोटर में ये शाफ्ट है, अब शाफ्ट पर क्या कसी हुई है, पुली कसी हुई है इस तरीके से कोई पुली कसी हुई है। अब ये पुली को अपन को खोलना है, मान लीजिए इसको क्या करना है, खोलना है, तो आप इसको अगर हैमर से खोलोगे या किसी भी प्रकार से खोलोगे तो नहीं खुल पाएगी, बहुत कठिनाई से खुलेगी, तो अपन क्या करेंगे, पुली पुलर लेके आएंगे, और ये जो पुली पुलर है मेरे पास, देखिए ये रहा पुली पुलर, ये पुली पुलर है, इसको क्या करेंगे, इसके जो टांगे हैं ना, तीन टांगे हैं इसके, कितनी टांगे हैं, तीन टांगे, तो इन टांगों को पुली के अंदर फंसा कर और इस भाग को, बीच वाले भाग को शाफ्ट पर टच करेंगे और इसको कसेंगे, जैसे जैसे कसेंगे ना तो पुली को खींच लेगा, ठीक है, पुली को क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो यह क्या होता है, पुली पुलर। शाफ्ट में से पुली को निकालने के लिए पुली पुलर का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके विशेषता क्या है, तो इसके तीन टांगे होती है, टांगे कितनी होती है, टांगे की संख्या कितनी होती है इसके, तीन होती है, कितनी टांगे होती है इसके, तीन टांगे होती है, और किसका बनता है ये, स्टील का बना होता है, ये ध्यान रखना। और इसमें एक बीच में क्या होता है, ये पेच होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होता है पुली पुलर। एक आता है बेयरिंग पुलर, क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका यह शाफ्ट है, या ये क्या है, आर्मेचर, ये आपका क्या है, आर्मेचर है, या ये रोटर है, कुछ भी मान लीजिए इसको, इस तरीके से इसकी ये शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट है। अभी शाफ्ट में दो बेयरिंग फंसे हुए हैं, एक बेयरिंग इधर है, बेयरिंग को अपन को निकालना है, शाफ्ट में से बेयरिंग निकालेंगे तो ठोकेंगे, शाफ्ट पर खरोच आ सकती है, या किसी भी तरीके से अभी तोड़ मरोड़ के निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो बेयरिंग खराब होगा या फिर शाफ्ट खराब हो जाएगी, तो खराब ना हो इसलिए क्या बनाया गया है, बेयरिंग पुलर बनाया गया है। तो ये क्या करेगा कि ये भी क्या करेगा, पुली पुलर की तरह कार्य करेगा, इसकी कितनी टांगे होती है, दो टांगे होती हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसको इस तरीके से फंसाया जाता है, इस तरीके से फंसाएंगे और इसको पुली के वहाँ ये शाफ्ट के यहाँ लगाएंगे और इसको कसेंगे, जैसे जैसे कसेंगे ना तो ये हिस्सा क्या होता जाएगा, ऊपर की ओर जाता जाएगा, तो ये क्या होगा कि उस पुली को, उस बेयरिंग को खींच लेगा, ठीक है। तो ये बेयरिंग पुलर होता है, इसकी टांगे कितनी होती है, इसकी टांगे दो होती है, दोनों में अंतर बस ये है कि इसकी टांगे तीन होती है, इसकी टांगे दो होती है, और ये भी किसका बना होता है, स्टील का ही बना होता है। तो यह थे आपके जो भी टूल्स थे, वो सारे के सारे टूल्स अपन ने समाप्त कर दिए हैं, ठीक है, जितने भी टूल्स थे वह अपन ने समाप्त कर दिए हैं, एक और बचा है उसको भी समाप्त कर देते हैं, एक और बचा है, देखिए यह देखिए चित्र छोटा सा है, ज़्यादा इसमें बड़ी वाली चीज़ नहीं है, छोटा सा चित्र है, अभी बना देते हैं आपके चित्र,
क्योंकि इसको भी क्यों छोड़े अपन फिर। ये आपने देखा होगा, इसको कहते हैं जिमलेट। क्या कहते हैं इसको? जिमलेट, जिमलेट कहते हैं इसको। ये जो जिमलेट होता है ना, लकड़ी के अंदर छेद करने के लिए काम में लेते हैं। लकड़ी, लकड़ी में छेद करने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? जिमलेट का उपयोग करते हैं। यह एक हत्था होता है और यह ड्रिल होता है। जैसे इसको देखिए, छेद करना है तो इसको लगाएंगे लकड़ी के, वहाँ पर रखेंगे और इसको, ये दोनों हत्थों को पकड़ के ऐसे घुमाते जाएंगे। जैसे जैसे घुमाएंगे ना, वैसे वैसे वहाँ पर क्या होता जाएगा? गड्ढा होता जाएगा। तो इसलिए इसका काम में लिया जाता है। क्या है यह? लकड़ी में छेद करने के लिए क्या है यह? पेच की तरह इसका यह मुँह होता है। पेच स्क्रू होता है ना, स्क्रू की तरह मुँह होता है इसका। तो यह क्या होता है? जिमलेट होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यह थे जितने भी अपने टूल्स, वो सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। तो आज की ये क्लास अपन यहीं पर ही विराम देंगे। छोटा सा चैप्टर था जो अपन ने समाप्त कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है, कल वाली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।